तो दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे युद्ध की वजह से अब रूस ने भारत से एक बड़ी मदद मांगी है, जिसके लिए भारत में तैयारियां की जा रही हैं। बहुत जल्द डिलीवरी रूस में कर दी जाएगी। वहीं चल रहे युद्ध की वजह से रूस के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। रूस मजबूर है, लेकिन इसके बावजूद भी रूस ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को बनाए रखा और दुनिया के सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 की डिलीवरी भारत में कन्फर्म कर दी है, जो इस महीने तक कम्प्लीट हो जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि S-400 बहुत ही ज्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भारतीय सेना की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाएगी। साथ ही साथ ये 400 किलोमीटर की दूरी पर आने वाले किसी भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर या किसी फाइटर जेट को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। जब भारत के अंदर पहली रेजिमेंट 2021 दिसंबर में पहुंचाई गई थी और ये डील लगभग 40,000 करोड़ रुपए की है। वहीं चल रहे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के चलते अब रूस ने भारत से दवाइयों की सप्लाई मांगी है, जहां पर AIMED यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइसेस ने इस बात की पुष्टि की है और बहुत जल्द मेडिकल्स बहुत सारे ड्रग प्रोडक्ट और मेडिसिन इसी के साथ में मेडिकल इक्विपमेंट्स रशिया में भारत से सप्लाई किए जाएंगे। वहीं चल रहे इस युद्ध की वजह से हमने देखा कि कई देशों ने भारत और रूस का भी विरोध किया है कि हम दो देश आपस में व्यापार ना कर पाए, चाहे वो ऑयल की सप्लाई हो या फिर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई करना हो। इन सभी पर अमेरिका जैसे देशों ने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती ने इन सभी बातों को पीछे छोड़ते हुए अपनी सप्लाई को कंटिन्यू रखा है। वहीं इसके चलते अब भारत रूस की बड़ी मदद करने वाला है, जो इस दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत देगा। वहीं इस महीने भारत के साथ रूस की कई और बड़ी डील्स होने वाली है, जहां भारत में बहुत सारे इंपोर्ट्स रूस से किए जाएंगे, वहीं भारत से भी बहुत सारी चीजें रूस में निर्यात की जाएंगी। जहां एसोसिएशन का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत ने रूस को लगभग 219 करोड़ रुपए की मेडिकल डिवाइसेस की सप्लाई की थी, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये लगभग 202 करोड़ रुपए की सप्लाई भारत से रूस को की जाएगी। वहीं चल रहे युद्ध की वजह से कई देशों को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है, साथ ही साथ कोविड के चलते भी कई देशों को भुखमरी का सामना करना पड़ा है। और ऐसी सिचुएशन में भारत ने फूड के साथ साथ मेडिकल सप्लाई भी जारी रखी, जिन देशों में शामिल है अफगानिस्तान, अफ्रीका, इजिप्ट जैसे देश। दोस्तों, भारत और रूस की इस दोस्ती के बारे में आप लोगों को क्या क्या कहना है, जहां दोनों देश एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हुए हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।